खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में धड़ल्ले से चल रहा देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप अमित होटल के 16 कमरों की छापेमारी के दौरान होटल के 5 कमरों में संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 5 महिला और 5 पुरुष बंद कमरों में पाए गए। पूछताछ के दौरान पकड़े गए लोगों द्वारा कुछ नहीं बताए जाने पर पुलिस ने सभी को कोतवाली ले जाया है। पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ देह व्यापार के तरफ FIR दर्ज की जाएगी। होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, उनको भी कोतवाली में ले जाया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। होटल मालिक के खिलाफ भी देह व्यापार के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर में जहां भी इस तरह के कार्य किए जा रहे होंगे और संयुक्त टीम के द्वारा रेड किया जाएगा और इस तरह की चीजें पाई गई तो सील किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि बलिया में बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहा है होटलों में कारोबार, धड़ल्ले से चल रहे हैं होटलों में कारोबार में जिला प्रशासन मौन। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सर ये किस तरीके का छापा मारा गया, कहां पे और क्या था? आज हमारे CO साहब को ये जानकारी मिली कि इस होटल में कुछ अवैध कार्य किए जाते हैं, तो उन्होंने जांच पड़ताल हेतु यहाँ पे आई। उसके बाद जब जांच करने लगी तो सभी 16 कमरों की जांच कराई गई और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब पूरी फोर्स आके मैं भी आया और सब लोग मिलके एक इसका रेड किया गया। रेड में पाया गया 5 कमरों में महिला और पुरुष बंद कमरों में पाए गए। उनसे जब पूछताछ की गई तो वो कुछ भी बताने में असमर्थ रहे और इसलिए उनको पूछताछ के लिए कोतवाली ले जाया गया है। तो जो पकड़े गए हैं लोग महिला पुरुष, वो उनकी संख्या कितनी है? 5 महिला हैं, 5 पुरुष हैं। अच्छा, तो ये कहाँ के हैं ये लोग? ये अब जांच के बाद पता चलेगा, उनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा, क्योंकि उनके पास कोई ID या इस तरह की जानकारी वो कुछ भी बता नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको ले गया है। वो उनकी तफ्तीश होगी, जांच होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद उनके खिलाफ जो भी देह व्यापार आदि के तहत जो भी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी। होटल मालिक है उनसे बिल्कुल, होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, होटल मालिक भी कोतवाली में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ भी देह व्यापार और शराय एक्ट में के तहत उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। क्या इस रेड के बाद शहर में चूंकि और भी जगह शिकायतें आती रहती हैं, तो क्या और भी होगी? निश्चित रूप से जहां भी इस तरह की कार्रवाई होगी, इस तरह का कार्य किया जा रहा होगा, सभी जगह इस तरह से संयुक्त टीम द्वारा रेड किया जाएगा और अगर इस तरह की कार्रवाई चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको सील किया जाएगा और अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। सर ये रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला है, जो होटलों का रजिस्ट्रेशन है, कितने ऐसे अवैध होटल है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और क्या कुछ है? हमारे यहाँ पूरे नगर में एक ही होटल रजिस्टर पंजीकृत है शराय अधिनियम के तहत, बाकी कई कुल 21 होटल हैं जो प्रक्रिया में है, मतलब ढेर सारी NOC वगैरह की जो ज़रूरत होती है वो प्रक्रिया में है और इनको जल्द ही पूरा करा के पंजीकृत करा दिया जाएगा जो मानक को पूर्ण कर रहे होंगे।